तो हमने लास्ट वीडियो तक देखा था कि जिन वो थॉमस आंड्रे को हरा देता है और ये न्यूज हर जगह फैल चुकी है। अब कंट्रीज तक संग जिन वो से डरने लगी है। तो अब हम फटाफट मेन चीजों को देखते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और इसके बाद डायरेक्ट जंप करेंगे सीधा मेन फाइट पर जो कि है मोनार्क्स वर्सेस जिनवू। तो अब कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती है और उसमें से हमें दो चीजें पता लगती है। एक तो कि आसमान में बहुत डिफरेंट चीजें हो रही हैं, जैसे कि माना स्टोर होना एक ही जगह पर, और ये चीजें 9 जगह पर हो रही हैं अलग अलग कंट्रीज में, और सबसे ज्यादा कोरिया में हो रही है। और दूसरी चीज ये है कि नेशनल लेवल हंटर्स को मारा जा रहा है टारगेट बनाकर, और ये सब अटैक्स मोनार्क्स खुद कर रहे हैं क्योंकि नेशनल लेवल हंटर्स रूलर्स के ही वेसल्स हैं और इस वजह से वो उन्हें पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं। और हैरानी की बात तो इधर ये है कि इनका सस्पेक्ट और कोई नहीं, जिनवू का बाप है जिसको वो अपराधी अभी तक बता रहे हैं, पर अभी तक कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। अब यहाँ आगे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिस्टर गो जो कि चेयरमैन है कोरियन हंटर एसोसिएशन के, उन पर मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट हमला कर देता है, जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि मोनार्क्स एक डिफरेंट डायमेंशन का यूज कर रहे हैं उन सब हंटरों को मारने के लिए जिन पर उनकी नजर है। और अब मिस्टर गो की बारी है क्योंकि मिस्टर गो भी हमारा एक रूलर का ही वेसल है, द फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रिलियंट लाइट का। अब फ्रॉस्ट मोनार्क मिस्टर गो को दूसरे डायमेंशन में ले आता है उन्हें मारने के लिए, एंड यहीं पर उनकी अब एक फाइट चलती है जहां पर एट लास्ट मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट भारी पड़ जाता है और अपना एक अटैक मिस्टर गो के आर पर डाल देता है। मिस्टर गो मरते मरते भी अपना एक फाइनल अटैक मार ही देते हैं जिससे वो डायमेंशन ब्रेक कर देते हैं और जिनवू को दूसरी तरफ पता लग जाता है, एंड वो वहां पर आ भी जाता है बहुत जल्दी। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मिस्टर गो मारा जाता है मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट के हाथों। जिनवू आते ही मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट का गला पकड़ लेता है और उससे पूछता है तू है कौन आखिर। पर इनकी यहाँ पर बहुत छोटी लड़ाई चलती है जिसमें से फ्रॉस्ट मोनार्क वहां से कट लेता है पतली गली नाप कर, और कहता है कि हम वापस आएंगे। आगे फिर मिस्टर गो की डेथ हो जाती है और ये न्यूज हर कंट्री में फैल जाती है, एंड हमें न्यूज के थ्रू ये भी पता लगता है कि अब तक 3 हंटर्स मारे जा चुके हैं जो कि टॉप हंटर्स थे पूरी दुनिया में। यहीं पर अब हर जगह पूरी दुनिया में डर का माहौल है क्योंकि अब नेशनल लेवल हंटर्स को मारा जा रहा है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। इन सब चीजों के बाद कोरिया में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें जिनवू सारे टॉप हंटर्स को सचेत करते हुए उन्हें कहता है जिनको भी लगता हो कि वो टारगेट बन सकते हैं उन पावरफुल लोगों का, तो प्लीज ऐसे हंटरों के साथ रहिए जो तुम्हें उनसे बचा सके, और जिसके पास कोई भी ना हो उनको बचाने वाला वो सब मुझे कॉन्टेक्ट करे कोरियन एसोसिएशन के थ्रू। एंड अब फाइनली इन सब चीजों के बाद आगाज हो चुका है बैटल ऑफ मोनार्क्स का। अब यहीं आगे हम दूसरी तरफ देखते हैं सारे मोनार्क्स को जिनकी मीटिंग चल रही होती है। उसी में मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट उन सबको बताता है कि मोनार्क ऑफ शैडोज अभी धरती पर है, जिस पर वो लोग सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा कोई वेसल एग्जिस्ट ही नहीं करता जो मोनार्क ऑफ शैडोज की पावर्स को झेल भी पाए। जिस पर अब आगे मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट उन सबसे हेल्प मांगता है जिनवू को हराने के लिए, जिस पर आधे मोनार्क्स तो ये कहते हैं कि शैडो ऑफ मोनार्क से लड़ाई करने का मतलब ये है कि मौत को गले लगा लेना, और उल्टा वो मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन का वेट करने को कहते हैं द ड्रैगन किंग का। जिस पर मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट कहता है हम कब तक ड्रैगन किंग के भरोसे रहेंगे, हम खुद भी तो मोनार्क्स हैं, हमारे को एक चांस मिला है शैडो ऑफ मोनार्क से छुटकारा पाने का क्योंकि वो अभी एक ह्यूमन फॉर्म में है, तो लड़ो मेरे साथ। इतने भाषणबाजी के बाद भी सिर्फ 2 मोनार्क साथ देने के लिए तैयार होते हैं और बाकियों की फटी हुई होती है शैडो ऑफ मोनार्क से, और जो 2 मोनार्क उसका साथ देते हैं एक है उनमें से बीच मोनार्क और दूसरा है इंसेक्ट मोनार्क। ये तीनों अब रेडी हो जाते हैं जिनवू से लड़ने के लिए। अब यहीं हम वापस देखते हैं कि अब मिस्टर गो के जाने के बाद मिस्टर वू को चेयरमैन बनाया जाता है कोरियन हंटर एसोसिएशन का। तभी दूसरी तरफ थॉमस आंड्रे भी कोरिया आ जाता है जिनवू की गिल्ड में जिनवू को एक गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि जिनवू ने उन सबकी जान बख्शी थी, सिर्फ हॉन्ग डोंगसू मारा गया था और कोई नहीं, सिर्फ इस चीज के लिए वो एक गिफ्ट देने आया था यहाँ पर। और गिफ्ट था एक डैगर जो कमिश के दांतों से बना हुआ था। ये गिफ्ट जिनवू को भी बहुत पसंद आता है, इससे उसके स्टैट्स और बेटर हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पर ये तो पता है कि कोरिया में एक सबसे बड़ा डंगन ब्रेक होने वाला है जिसका सिर्फ ये लोग वेट ही कर सकते हैं खुलने का, क्योंकि जिनवू ने ट्राई करा था उसके अंदर जाने का तो कोई फायदा नहीं हुआ, और इस गेट के चक्कर में थॉमस आंड्रे भी यहीं रुक जाता है कोरिया में ही। तभी कुछ दिनों बाद अब वो तीनों मोनार्क्स अपने प्लान के अकॉर्डिंग कदम रखते हैं, जिसमें पहले मोनार्क ऑफ फैंग्स खुले आम पब्लिक में निकल पड़ता है और वहां जाकर वो एक इंसान को भी खा जाता है, एंड वहां पर वो तबाही मचाने लग जाता है। अब इस मोनार्क को रोकने के लिए थॉमस आंड्रे बाहर आता है क्योंकि जिनवू कहीं और ही बिजी होता है, बट सरप्राइजिंगली इस फाइट में थॉमस आंड्रे फिर से पिट जाता है। मतलब फाइट वो अच्छी करता है पर फिर भी पिट जाता है क्योंकि उसके सामने है भी तो कौन, द मोनार्क ऑफ बीस्ट। एंड इसी चीज से हमें पता भी लगता है कि मोनार्क्स बहुत अपर लेवल पर है, और अभी तो वो तीनों मोनार्क्स जिनवू से भिड़ने भी वाले हैं, रूलर्स के वेसल्स भी इनके सामने कुछ भी नहीं है। सो फाइनली हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर एक्सप्लेनेशन को। अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं कि थॉमस आंड्रे को वो बीच मोनार्क खत्म करने वाला ही होता है कि तभी पीछे से लेनार्ड आ जाता है जो कि एक एस रैंक हंटर है, और वो थॉमस आंड्रे के साथ ही आया था कोरिया। वो पीछे से हमला कर देता है उस बीच मोनार्क पर ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए,
फिर थोड़ी देर बाद खुद ही लेनार्ड को भी लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है उस मोनाक को छेड़कर। नीचे पड़े पड़े थॉमस एंड्रे भी उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है, पर सही टाइम पर अब फाइनली उधर जिनवू आ चुका है जो कि लेनार्ड को कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया, तुम जरा थॉमस एंड्रे को हॉस्पिटल ले जाओ, यहाँ से अब मैं संभालता हूँ। तभी बीच मोनाक कहता है, तो ये सच बात थी, एक इंसान जिससे उस कमीने शेडो की सेंट आ रही है तो वो तुम ही हो। जिनवू मन में सोचता है, ये खून का प्यासा है और उससे ऊपर की बात तो ये है कि ये अकेला नहीं है। बीस्ट मोनाक फिर कहता है, इसने एक सुप्रीम बींग की पावर को झेला कैसे, वो भी इस एक्सटेंट तक, जबकि ये एक ह्यूमन बॉडी है, पक्का उस आर्किटेक्चर ने ही ये सब करा है, कोई रास्ता ढूंढकर। तभी जिनवू के पीछे से इंसेक्ट मोनाक आकर कहती है, क्या मैं इस ह्यूमन बॉडी को खा सकती हूँ, मैं हमेशा से देखना चाहती थी कि एक मोनाक का टेस्ट क्या होगा। फिर वहीं पर फ्रॉस्ट मोनाक भी आ जाता है एंड अब ये फाइट हो चुकी है 3-on-1, बैटल स्टार्ट होती है। जिनवू भी अपने शेडो सोल्जर्स को बुला लेता है पर फ्रॉस्ट मोनाक उन सबको अपने एक अटैक से जमा देता है जमीन पर ही। फिर अब यही फ्रॉस्ट मोनाक कहता है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि इसे सही में लगा कि ये हमें अपने बस शेडो सोल्जर से ही रोक लेगा, क्या बेवकूफी है, ऊपर से जबकि इसने अभी तक सारी पावर्स ली भी नहीं है उस शेडो मोनाक की। माना कि मोनाक ऑफ शेडोज हम सब में से ग्रेटेस्ट है पर तब भी इसे दूसरे मोनाक्स की पावर्स को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तभी दूसरी तरफ उनके सामने जिनवू अपनी कमीज डैगर को निकालकर उनकी तरफ रखते हुए कहता है, नो मैटर जो हो जाए तुम सब मरोगे अब यहाँ पर। अब यहीं पर सारे मोनाक्स अपनी आर्मी बुलाकर जिनवू पर एक साथ हमला करते हैं, जिन सबको जिनवू पेल देता है बिना कोई दिक्कत के। फिर वो तभी डायरेक्ट सीधा फ्रॉस्ट मोनाक की तरफ आगे बढ़ता है पर पीछे से बीस्ट मोनाक आ जाता है। अब जिनवू उससे भिड़ जाता है। बीस्ट मोनाक कहता है, तुझे सही में लगा कि ये एक छोटी आयरन की स्टिक मेरे को चोट दे सकती है। तभी जिनवू उसी से उसके हाथ को काट कर कहता है, हाँ अगर ये एक नॉर्मल आयरन स्टिक होती तो तब कुछ नहीं होता। अब यहीं पर दोबारा पीछे से इंसेक्ट मोनाक हमला करती है जिसको जिनवू डॉच कर देता है। फिर तभी बेरू उस आइस को तोड़कर बाहर आ जाता है किंग चिल्लाते हुए और तेज से कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे किंग पर हमला करने की यू इंसेक्ट। ये देखकर फ्रॉस्ट मोनाक शॉक होकर कहता है, एक शेडो सोल्जर ने मेरे बाइंडिंग स्पेल को ब्रेक कर दिया, वो भी कैसे। और दूसरी तरफ ये एक इंसान एक कमांडर लेवल एंटिटी को प्रोड्यूस कैसे कर पा रहा है। बीस्ट मोनाक भी कहता है, एवरी सिंगल कमांडर लेवल सोल्जर जो शेडो मोनाक का है वो एक गॉड लेवल डिस्ट्रक्शन है। इंसेक्ट मोनाक तभी बेरू पर अटैक करती है पर बेरू आसानी से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है और ये देखकर वो मोनाक शॉक हो जाती है। वहीं बेरू जिनवू से कहता है, मेरे किंग आप सही में ग्रेटेस्ट हो, आपने अकेले ही इन खतरनाक लोगों को संभाल रखा है, मैं आपका एक हम्बल सर्वेंट हूँ। तभी उन दोनों पर दोबारा अटैक होता है जिनवू सीधा दूर जाकर गिरता है। ऊपर से फ्रॉस्ट मोनाक भी अटैक करना चालू कर देता है पर जिनवू उस अटैक को रोकने के बाद सीधा एकदम से अपनी एक डैगर मोनाक फ्रॉस्ट के सीने में घुसा देता है और कहता है, मैंने तुझे पहले ही कहा था तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। फ्रॉस्ट मोनाक यहीं पर गुस्सा हो जाता है ये सुनकर पर तभी जिनवू के पीछे दोबारा बीस्ट मोनाक आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल कर जिनवू को घायल कर देता है बुरी तरह से। ये देखकर बेरू भी चिल्लाता है पर उसे भी पीछे से इंसेक्ट मोनाक पकड़ लेती है। बीस्ट मोनाक कहता है, वहां पर यही अंत है तुम्हारा। तभी बेरू बाकी शेडो सोल्जर्स को चिल्लाकर जगाता है जिनवू की हेल्प करने के लिए एंड वो सभी सोल्जर्स उस स्पेल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। ये देखकर फ्रॉस्ट मोनाक फिर से शॉक हो जाता है पर वो मुड़कर वापस जिनवू को कहता है, कोई नहीं खेलने का टाइम अब खत्म हुआ, तेरा घाव गहरा है। पर जिनवू वापस कहता है, अच्छा ये। तभी जिनवू उन सबको शॉक करते हुए स्टेटस रिकवरी कर लेता है। अब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया इस फाइट को देख रही है अलग अलग कंट्री से सोशल मीडिया के थ्रू। बाकी सभी हंटरों की फटी हुई होती है ये बैटल देखकर, उनमें से किसी की हिम्मत तक नहीं हो पा रही होती है इस बैटल में घुसने तक की। वो सब बस वेट कर रहे हैं इस बैटल के सेटल डाउन होने का। अब लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाती है और इस बार जिनवू इंसेक्ट मोनाक पर एम रखता है एंड उससे लड़ाई करने भिड़ जाता है जिसमें वो सारे इंसेक्ट मोनाक के अटैक्स को डॉच कर देता है। इवन उसका पॉइजन तक जिनवू को कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। ये देखकर इंसेक्ट मोनाक बहुत चिढ़ जाती है और गुस्से में आगे बढ़ती है पर जिनवू उसे कमांडर्स अथॉरिटी का यूज कर रोक देता है हवा में ही और म्यूटिलेशन का यूज करके उसे खत्म कर देता है। एंड फाइनली अब 9 में से पहला मोनाक मर जाता है। ये देखकर फ्रॉस्ट मोनाक कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैं पक्का श्योर हूँ इसने अभी तक पूरा कंट्रोल लिया भी नहीं है शेडो मोनाक की शक्तियों का, क्या हमें दोबारा से उस डर का सामना करना पड़ेगा मोस्ट पावरफुल किंग से लड़ने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीस्ट मोनाक ने बेरू को पकड़ लिया होता है और वो कहता है, अरे तू डर क्यों रहा है, वो थक चुका है और उससे बड़ी चीज तो ये है कि वो अब अपने शेडो सोल्जर्स के भरोसे है, ये एक इनकम्प्लीट मोनाक है और हम तो ट्रू मोनाक है ऊपर से। तभी जिनवू को महसूस होता है कि बेरू की प्रेजेंस खत्म हो रही है और वो बेरू को वापस बुलाने का ट्राई भी करता है बट वो चीज हो नहीं पा रही होती है। बट कैसे ना करके जिनवू बेरू को बचा ही लेता है। फ्रॉस्ट ऑफ मोनार्क तभी एक बड़ा अटैक करते हुए कहता है, तुम सही बोल रहे हो बीस्ट मोनार्क, ऐसा लग रहा है कि इंसान ओवर एस्टिमेट कर रहा है हमारी पावर्स को।
तभी ये कहने के बाद ही फ्रॉस्ट मोनार्क अपना फाइनल फॉर्म ले लेता है और सीधा जिनवो के सारे शेडो सोल्जर्स को कैद कर देता है। एंड आगे अब वो बस अपने सिर्फ एक अटैक से जिनवो को घायल करते हुए उससे पीछे ढकेल देता है। अब यहीं दोबारा फाइट स्टार्ट होती है एंड इस बार जिनवो को भी दिख रहा होता है कि वो कमजोर पड़ रहा है उसके आगे, और वो तभी कुछ प्लान करके फ्रॉस्ट मोनार्क के पीछे आ जाता है और जस्ट कहता है ये आई गॉट यू। तभी हम देखते हैं कि सारे हंटर शॉक हो जाते हैं क्योंकि बीस्ट मोनार्क ने अपने नाखून जिनवो के आर पार डाल दिए हैं और उन्होंने अब जिनवो को फंसा भी लिया है। बीस्ट मोनार्क कहता है तुझे बड़ा गर्व था ना अपनी एजिलिटी पर, बट तू कुछ भी नहीं है उसके बिना। जिनवो की हालत यहाँ पर बहुत बदतर हो चुकी है इस अटैक के बाद, उसके स्टैट सारे गिरने लगते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट मोनार्क अपना डैगर जिनवो के चेस्ट में घुसाकर उससे कहता है अब देखते हैं कि तू पहले जैसा हील कर पाएगा कि नहीं, मेरे को डाउट है क्योंकि नो मैटर तू कितना भी स्ट्रांग हो तू फिर भी है तो एक इनकम्प्लीट मोनार्क ही, क्या यही तेरी लिमिट है? अगर है तो फिर तू विटनेस नहीं कर पाएगा उस दिन को जिस दिन हमारी आर्मी इस धरती पर अपना कदम रखेगी, और जब वो दिन आएगा हम लाशों के पहाड़ बिछा देंगे और खून की नदियां बहेंगी। तभी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया इस स्पीच को सुन रही है और सब खौफ और डर में है। फ्रॉस्ट मोनार्क आगे बोलते हुए कहता है पर मेरा एक डिफरेंट प्लान है इस कंट्री को लेकर जहाँ पर तूने जन्म लिया है, मैं इस कंट्री के हर एक इंसान को जमा दूंगा ताकि वो इटर्निटी तक सफर करे, वो हमेशा के लिए ऐसे बींग बन जाएंगे जो ना मरे हुए हैं और ना ही जिंदा है। तो अब आगे बढ़ और इस मौत से बच के दिखा, जिनवो मन में कह रहा होता है थोड़ा सा और बस थोड़ा और, पर तभी हम देखते हैं कि जिनवो के सिस्टम में से एक मैसेज आता है कि उसकी HP 0 हो चुकी है एंड यस जिनवो यहाँ पर मर जाता है। पर तभी अचानक से सिस्टम में हलचल होती है और मैसेजेस आने लगते हैं कि इस प्लेयर ने ब्लैक हार्ट को पोजेस कर लिया है, इस प्लेयर ने सारे रिक्वायरमेंट को मेट कर लिया है जो पैसिव स्किल के लिए चाहिए थी अननोन। तभी हम देखते हैं कि एक अननोन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और जिनवो वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से ये सब की शुरुआत हुई थी हॉस्पिटल में डबल डंगन से आने के बाद। जिनवो झटके में उठता है घबरा कर और वो अगल बगल देखते हुए कहता है क्या ये हॉस्पिटल में हूँ मैं और मैं जिंदा कैसे हूँ। तभी आगे हम देखते हैं कि वही सारी चीजें रिपीट होती हैं जो हम एपिसोड 3 से देखते हुए आ रहे हैं सीजन 1 के स्टार्टिंग से। जिनवो को भी थोड़ी देर बाद पता लग जाता है कि वो टाइम में वापस पीछे आ चुका है, बट हैरानी की बात ये है कि जिनवो के पास अभी भी उसकी सारी पावर्स हैं और उसका लुक भी सेम है, इवन कमीश वाला डैगर तक है उसके पास। अब जिनवो फटाफट वही सारी चीजें रिपीट करता है जो वो कर चुका है अभी तक सीजन 3 से लेकर। वो सीधा सबसे पहले अपनी रैंक चेक करवाने जाता है जहां पर उसकी माना रीडिंग को देखकर सब शॉक हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जिनवो सीधा मिस्टर गो के पास जाता है। आपको यहां पर बता दो कि सिर्फ जिनवो ही टाइम में पीछे आया है बाकी और कोई नहीं, तो बाकी किसी को भी अभी तक पता नहीं है कि जिनवो है कौन। मिस्टर को यहाँ पर सरप्राइज हो जाता है जिनवो के आने के बाद क्योंकि जिनवो सीधा अपनी रैंक चेक करवा के सीधा यहीं पर आता है। जिनवो जाते ही मिस्टर को ऑफर करते हुए कहता है कि वो अपने रेगुलेशन चेंज कर दे और उसे जेजू आइलैंड पर जाने दे वो भी अकेले, जो सुनकर मिस्टर को भड़क कर कहता है अबे तू पागल है तुम्हें पता भी है अभी तक कितनी रेड्स फेल हो चुकी हैं वहां पर। पर तभी एकदम से मिस्टर को अचानक से शॉक हो जाता है जिनवो की भयानक एनर्जी वाली ऑरा को देखकर, और कहता है ये पावर जो इसके पास है वो नेशनल लेवल हंटर से भी कहीं ज्यादा है, ये कैसे पॉसिबल है। जिनवो कहता है ये चीज सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ तो ये मेरे पे छोड़ दो, मैं जेजू आइलैंड जाकर हर आंट को मार दूंगा। अब हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि सिस्टम बार बार एक ही नोटिस भेज रहा होता है जिनवो को कि वुड यू लाइक टू रिस्टार्ट द वर्ल्ड एक्सेप्ट और डिक्लाइन वाला। अब यहीं पर आगे हम वही सेम चीजें देखते हैं जो हम एपिसोड 3 से देखते हुए आ रहे हैं, जिनवो ये सारी चीजें दोबारा करता है बारी बारी और एट लास्ट वो दोबारा बेरू को भी अराइज कर देता है जेजू आइलैंड पर, जहाँ पर वो हल्का सा हंसते हुए कहता है बंद करो ये सब, और सीधा ऊपर देखते हुए चिल्लाता है मुझे पता है ये सब इल्यूजन है सो बंद करो ये सब और मेरे सामने आओ, और कितनी देर तक छुपोगे तुम मुझसे। ये कहने के बाद ही फिर से जिनवो के सिस्टम में हलचल मच जाती है और जिनवो सीधा पहुंच जाता है शैडो ऑफ मोनार्क के सामने। जिनवो पूछता है क्या तुम ही द किंग ऑफ डेड हो। शैडो मोनार्क कहता है तुम इसी दुनिया में रह सकते हो हमेशा के लिए अगर तुम चाहो तो, ये एक अच्छे सपने से कभी ना उठने जैसा होगा। जिनवो वापस कहता है तुम चाहते हो कि मैं इस इल्यूजन में रहूं फंसा हुआ तुम्हारे बनाए हुए। शैडो मोनार्क कहता है नहीं मैं नहीं हूँ क्रिएटर इस वर्ल्ड का, जबकि तुम खुद हो इस वर्ल्ड के क्रिएटर। तुम्हारे गलतियां सुधारने वाले डिजायर्स और मेरी पावर्स के कॉम्बिनेशन से ये दुनिया क्रिएट हुई है, ये मेरा डोमेन है, यही इटर्नल स्लम्बर है मतलब कभी ना खुलने वाली नींद। मैं तुझे बहुत टाइम से देख रहा था जहां तक तू सोच भी नहीं सकता, इवन दो हमेशा मौत के दरवाजे पर ही रहता था तू, बाकी सबसे ज्यादा तू हमेशा से बचने के लिए डेस्परेट रहा है। मैं तेरे स्ट्रगल्स का रिवॉर्ड हूँ, तेरी रेजिस्टेंस का एविडेंस और दर्द का तोहफा भी। मैं ही मौत, इटर्नल स्लम्बर और आतंक हूँ, मैं तुम हूँ।
मेरे डोमेन में जो तुम करना चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हो। तुम मेरी हर चीज को अपना बना सकते हो, मेरी सारी पावर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑल दो ये तभी पॉसिबल है जब तक हम अपने डोमेन में हो। तुम्हारे पास एबिलिटी है इस दुनिया को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने की। ये एक ओमनीपोटेंट पावर है। जिनवू वापस पूछता है, तो तुम कह रहे हो कि हम दोनों सेम पावर को पजेस करते हैं? शैडो मोनार्क वापस कहता है, मैंने बहुत लंबा टाइम वेट करा है तुमसे मिलने के लिए। मैं हूँ मोनार्क ऑफ शैडोज, मौत का राजा और अंधकार का शासक। जिनवू वापस पूछता है, मैं ही क्यों? शैडो मोनार्क कहता है, मैं तुझे दिखाता हूँ क्यों। अब हम यहाँ देखते हैं कि शैडो मोनार्क जिनवू को सब कुछ दिखाने वाला है, शुरुआत से लेकर अंत तक का सब चीज। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर सबको पता लग चुका है कि जिनवू मर चुका है। ये देखकर सब हंटर्स की फटने लग जाती है। वो कहते हैं कि ये चीज इम्पॉसिबल है, इन बीस्ट को रोकना अब। तो तभी एक बिल्डिंग के ऊपर से एक हंटर पैनिक होकर अटैक करने का ट्राई करता है उन मोनार्क्स पर, बट उसकी भी फट जाती है क्योंकि फ्रॉस्ट मोनार्क सीधा उसकी तरफ देखता है पीछे मुड़कर। फिर तभी अचानक से जिनवू का दिल धड़कने की आवाज आती है, जो कि उसके ब्लैक हार्ट की होती है। ये सुनकर फ्रॉस्ट मोनार्क एकदम से शॉक होकर पीछे मुड़ते हुए कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, हम ट्रू किंग को पैदा नहीं होने दे सकते एक फेक बन के मरने के बाद, हमें ये रोकना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। तभी वो दोनों एक साथ जिनवू की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर अचानक से बीच में एक इंसान एंट्री मारता है, जो कि और कोई नहीं जिनवू का बाप है, जो उन्हें अपने अटैक से दूर उड़ाकर कहता है, यहीं इसी जगह और इसी वक्त से कोई भी इस बच्चे को छुएगा भी नहीं। तभी यहीं से दोबारा हमारा सीन शिफ्ट होकर दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर शैडो मोनार्क हर चीज बताना स्टार्ट करते हुए कहता है कि जब कुछ नहीं एग्जिस्ट करता था तब उस टाइम पर सिर्फ लाइट और डार्कनेस ही होते थे। एब्सोल्यूट बीइंग ने इन सबको डिवाइड करा और कुछ को भेजा लाइट की तरफ, जो मैसेंजर्स ऑफ गॉड बने, और दूसरी तरफ कुछ को भेजा डार्कनेस की तरफ, जहाँ पर 8 मोनार्क्स बने। मोनार्क्स जो कि सिर्फ इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए पैदा हुए हैं, और दूसरी तरफ मैसेंजर्स ऑफ गॉड जो इस दुनिया को मेंटेन करने के लिए पैदा हुए हैं। अब यहाँ पर आगे हमें पता लगता है कि ये एक नेवर एंडिंग वॉर है। एक बार ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट ने सुप्रीम बींग से पूछा था कि क्यों एब्सोल्यूट बींग इन सब बुरे कामों को रोक नहीं रहे हैं, क्यों वो उन सबकी चीखों की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं जो बैटलफील्ड में मर रहे हैं। उनके लिए इन्हीं बातों को कहकर वो मैसेंजर एब्सोल्यूट बींग से स्ट्रेंथ मांगता है इन सब दुश्मनों को खत्म करने के लिए, पर एब्सोल्यूट बींग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, ना ही रिस्पॉन्ड देता है। जिस चीज के बाद फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट को समझ आ जाता है कि उनकी बैटल अगेंस्ट मोनार्क एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है एब्सोल्यूट बींग के लिए, और इसी वजह से एब्सोल्यूट बींग इस वॉर को खत्म नहीं करना चाहते हैं। सभी लोग एब्सोल्यूट बींग की पूजा करते हैं, सभी लोग युद्ध के दौरान रोते भी हैं एब्सोल्यूट बींग के लिए, सभी लोगों ने निष्ठा से कसम भी खाई है अपनी जानें गंवाने के लिए, वो भी एब्सोल्यूट बींग के लिए। पर इस चक्कर में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, ये वॉर कभी खत्म नहीं होगी जब तक एब्सोल्यूट बींग जिंदा है, और यही चीज फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट खत्म करना चाहता है अब, और वो अब एक रेबेलियन है। यहीं पर शैडो मोनार्क अपने पुराने सेल्फ पर उंगली करते हुए कहता है, ये था मैं पहले, मैं भी मैसेंजर ऑफ गॉड था पहले जो इनके अगेंस्ट खड़ा हुआ, पर मैं हार गया एट लास्ट, उन्होंने मुझे मार डाला, पर उस टाइम मुझे लगा कि यही मेरा अंत है, बट जब मैंने अंधेरे में अपनी आंखें खोली तब मुझे पता लगा कि एब्सोल्यूट बींग ने मेरे अंदर कोई हिडन पावर छुपा रखी है। एंड इस चीज के बाद हमारा मैसेंजर ऑफ गॉड बन जाता है शैडो ऑफ मोनार्क, और वो अब खुद की आर्मी भी बना लेता है। हालांकि वो जब तक एब्सोल्यूट बींग को देखने पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एब्सोल्यूट बींग मारा जाता है फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट्स के हाथों से। अब इसके बाद वो सब बन जाते हैं रूलर्स, और फिर एक डिवाइस की हेल्प से जिसमें एब्सोल्यूट बींग की पावर्स थी, वो लोग मोनार्क्स पर अटैक करना जारी रखते हैं, और इसी के रिजल्ट में द किंग ऑफ जायंट्स द मोनार्क ऑफ बिगिनिंग पकड़ा जाता है, और पावर बैलेंस कोलैप्स हो जाती है। अब ये चीज मोनार्क्स को भी पता लग चुकी होती है, तो इसी वजह से मैं मोनार्क्स की तरफ चला जाता हूँ उनके साथ हाथ मिलाने, ताकि मैं रूलर्स को फेस कर पाऊँ, उनसे बदला ले पाऊँ। और फिर उस वक्त के बाद से मैंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी उन 9 मोनार्क्स के साइड से एज अ मोनार्क ऑफ शेडोज। फिर टाइम के साथ साथ मैं और पावरफुल होता गया, और एक टाइम पर मैं शोल्डर टू शोल्डर आ गया किंग ऑफ ड्रैगन के। रूलर्स के साथ साथ अब मोनार्क्स भी मुझसे डरने लगे थे, और इवेंचुअली 2 मोनार्क्स ने तो हाथ भी मिला लिए थे मुझे मारने के लिए, बट मेरे सामने कोई नहीं टिक पाया। उल्टा मोनार्क ऑफ फैंग्स अपनी आर्मी को छोड़कर भाग गया, और फिर बैरन द मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स और द किंग ऑफ डीमन को ये कीमत चुकानी पड़ी। एंड देन अब हम आसमान में देखते हैं कि उस जगह पर रूलर्स आ जाते हैं, पर वो आते ही सब मोनार्क ऑफ शेडोज के सामने झुक जाते हैं और सरेंडर करते हुए माफी मांगते हैं, और कहते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, अब कोई रीजन नहीं है कि आप हमसे लड़ो। जिस पर मोनार्क ऑफ शेडोज कहता है, नो रीजन मतलब तुमने मेरे मास्टर को मारा है,
जिस पर वो रूलर कहता है कि वो हमारे भी मास्टर थे, और तभी एकदम से गुस्से में शैडो ऑफ मुनाक उसको मुंह के बल पकड़ लेता है। रूलर कहता है, तुम भी अच्छे से जानते हो कि हमने ऐसा क्यों करा, हम बस ये वॉर को खत्म करना चाहते थे। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि हम गलत हैं तो हमें मार दो अभी इसी वक्त। फिर हम देखते हैं कि दोबारा रूलर सलामी देते हैं शैडो ऑफ मुनाक को और उसको अपने गुस्से को छोड़ने के लिए कहते हैं। यहाँ पर शैडो मुनाक कन्फ्यूज हो जाता है, वो एक सिंगल सोल्यूशन तक नहीं ढूंढ पाता और इसी वजह से वो छुप जाता है ताकि वो एक रिवेंज प्लान कर सके। और छुपने के बाद वो दोबारा मुनाक्स के पास वापस जाता है और वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अब यहीं पर मुनाक्स ने अर्थ को चुना है उनकी बैटलफील्ड बनाने के लिए, जिसकी वजह से मैनकाइंड पूरी तरह खत्म हो चुकी है, पूरी दुनिया नरक बन गई है। जिनवो ये भयानक मंजर देखते हुए कहता है, ये मैंने देखा है पहले। जिस पर शैडो मुनाक कहता है, नहीं, ये पास्ट इवेंट्स है तुम्हारे अर्थ के। जहाँ पर मुनाक्स अर्थ को तबाह करने के लिए आए थे, दूसरी तरफ रूलर्स भी अर्थ को मेंटेन रखते थे। रूलर से जब तक सोल्जर्स भेजे अर्थ पर मुनाक्स को ढूंढने के बाद, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पूरी अर्थ खत्म हो चुकी थी। रूलर्स ने दोबारा हर चीज को सही करने के लिए एक फॉरबिडन डिवाइस का यूज करा, जिसमें एब्सोल्यूट बीइंग की पावर थी, द कप ऑफ रीइंकार्नेशन, एक गॉड का इंस्ट्रूमेंट जिससे हम टाइम को 10 साल पीछे कर सकते हैं। रूलर्स ने हर वो चीज करी इस दुनिया को बचाने के लिए, बट अर्थ बहुत वीक था मुनाक्स के अगेंस्ट, क्योंकि एक वर्ल्ड विदाउट माना कभी इस खतरनाक बैटल को झेल ही नहीं सकता। रूलर्स जानते थे कि वो सबको बचा नहीं सकते, सो अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड करा एक पावर ऑफ पोशन एक छोटी पॉपुलेशन में बांटने का, ताकि अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट रहे। और इसी वजह से हंटर्स ने जन्म लिया, ऐसे लोग जो सरवाइव कर पाए इस वर्ल्ड में। हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि अर्थ ऑलरेडी बहुत बार खत्म हो चुका है और सिर्फ रीइंकार्नेशन कप की वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। एंड मेन बात तो ये है कि उस रीइंकार्नेशन कप की भी लिमिट है। दूसरी तरफ दोनों मुनाक ऑफ डिस्ट्रक्शन और मुनाक ऑफ शेडोज इतने पावरफुल हैं कि उनका होस्ट मिलना इम्पॉसिबल है जो उनकी पावर झेल सके। होस्ट मतलब वैसल मिलना इम्पॉसिबल है। और तब जाकर मुनाक ऑफ शेडोज आर्किटेक्ट से मिलता है, जो उनकी हेल्प करता है एक होस्ट ढूंढने के लिए एक सिस्टम बनाकर। आर्किटेक्ट एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी सुपीरियर फिजिक वाले इंसान को लेना चाहता था। उसने बहुत लोग ढूंढे जो मेरे वैसल बन पाए, और तभी उसी दौरान मुझे तुम दिखे, मैंने तुम पर नजर रखी। एंड डिस्पाइट आर्किटेक्ट तुम्हें नहीं चाहता था, पर तब भी मैंने तुम्हें चूज करा। और मैं ये चीज एक और बार कह रहा हूँ, मैं ही तुम्हारे स्ट्रगल्स का रिकॉर्ड हूँ, रेजिस्टेंस का एविडेंस और दर्द का तोहफा भी। जिनवो वापस कहता है, मेरे को डाउट है कि मैं स्ट्रांग इनफ भी था ये पावर्स को होल्ड करने के लिए। जहाँ पर शैडो मुनाक कहता है, आर्किटेक्ट के सिस्टम ने तुझे अडॉप्ट करवाया तुम्हारी एटमोस लिमिट तक रिक्रिएशन और गेम्स के थ्रू। अब यहाँ पर जिनवो सब कुछ समझ जाता है और वो फिर भी पूछता है कि शैडो मुनाक ने आर्किटेक्ट को धोखा क्यों दिया। जिस पर शैडो मुनाक कहता है कि एक अपॉलोजी जो रूलर्स ने दी और धोखा जो मुझे मुनाक्स ने दिया, मैं बहुत टाइम से देख रहा था कि मैं किसकी साइड लूं, एंड फिर मैं एक सिंपल डिसीजन पर आया और ये डिसीजन मैं चाहता भी था। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता था। आई बिकेम यू एंड यू बिकेम मी। ये स्ट्रेंज बात नहीं होगी कि हम में से एक ही इस बॉडी का ओनर बनेगा, पर अब हम दोनों एक ही हैं। सो मैं तुम्हें चॉइस दे रहा हूँ, तुम डिसाइड करो कि तुम्हें यही रहना है इस डेथ डोमेन में, जहाँ तुम्हें वंडरफुल ड्रीम्स को जीने का मौका मिलेगा, और या फिर तुम्हें वापस रियलिटी में जाना है जहाँ पे तुम्हें दुश्मनों से भिड़ना पड़ेगा। जिनवो वापस कहता है, तुमने कहा कि तुम एक डिसीजन पर आए, बट तुमने रूलर्स का साथ नहीं दिया कभी, और ऊपर से अब तुम उनसे लड़ना भी नहीं चाहते, तो तुम भागे क्यों मुनाक्स के साथ एक दूसरे वर्ल्ड में। जिस पर शैडो मुनाक कहता है, क्योंकि वहां पर मेरी कोई जगह नहीं थी। जिनवो भी वापस कहता है, मेरा आंसर भी यही है, सेम, मैं भी यहाँ पर बिलोंग नहीं करता। ये सुनने के बाद शैडो मुनाक स्माइल करके वहाँ से जाने लगता है। जिनवो कहता है, क्या ये हमारी लास्ट मीटिंग है। शैडो मुनाक कहता है, मैं तो वापस इटर्नल रेस्ट पर जा रहा हूँ, बट तुम द मुनाक ऑफ शैडोज एक इमोर्टल रहोगे, सो आई डाउट कि हमारे रास्ते अब टकराएंगे भी। इस डेथ से तुम्हारी पावर एक एब्सोल्यूट बन चुकी है, क्योंकि मैं ही तुम हूँ। कि जिनवो अब रियल वर्ल्ड में वापस आ रहा है एज अ शैडो मुनाक, और इस चीज की भनक दोनों फ्रॉस्ट मुनाक और बीच मुनाक को भी हो जाती है, इसलिए वो जिनवो को उसके आने से पहले ही खत्म करना चाहते हैं। पर उनके आगे जिनवो का बाप द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट खड़ा है उसको बचाने के लिए। यही चीज देखकर फ्रॉस्ट मुनाक कहता है, फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट जिससे तुम बचा रहे हो, उसके बॉडी में सबसे भयानक डिजास्टर आने वाला है। क्या तुम सही में इतनी बड़ी तबाही को आने दोगे इस धरती पर, अपनी जान जोखिम में डालकर तुम रूलर्स आखिर सोच क्या रहे हो। अब इसी के बाद इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जिनवो का बाप स्टार्टिंग से ही इनकी अच्छी खासी धुनाई करता है। ये देखकर वो दोनों मुनाक्स भी शॉक हो जाते हैं। फिर वहीं लड़ते लड़ते बीस्ट मुनाक को एक प्रेजेंस महसूस होती है जो कि जिनवो से आ रही होती है। तभी एकदम से बीस्ट मुनाक कहता है, मैं नहीं लड़ रहा अब। ये सुनकर फ्रॉस्ट मुनाक भी वापस कहता है, अबे तू अब रुक रहा है जबकि हम इतनी दूर तक आ चुके हैं, दिमाग खराब है क्या तेरा।
बीस्ट मोनक वापस कहता है, तुझे फील नहीं हो रहा क्या? शैडो मोनक आ रहा है, मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से भाई। फ्रॉस्ट मोनक वापस पूछता है, अबे तूने तो वादा करा था मुझसे कि तू मेरी हेल्प करेगा शैडो मोनक को हराने में। बीस्ट मोनक भागते हुए कहता है, मेरे प्रॉमिस लिमिटेड था, वो भी तब तक जब तक हम उसकी ह्यूमन फॉर्म से लड़ रहे हैं, बट अब तो वो खुद आ रहा है एज अ रियल शैडो मोनक, मैं अपना वादा अब नहीं निभा पाऊंगा। ये कहकर बीस्ट मोनक वहां से भाग लेता है। तभी कोई और चारा न दिखकर फ्रॉस्ट मोनक अपनी ट्रू पावर को अनलीश करता है लड़ाई में, और वहां पर हर जगह तबाही ला देता है। और फिर आसमान से एक बड़ा बर्फ का नुकीला गोला उससे हमला करता है। जिन्वू का बाप जैसे ही उन अटैक से हिट ही होने वाला होता है कि तभी जिन्वू के शेडो सोल्जर्स उन्हें बचा लेते हैं। एंड यस ऑब्वियसली अब शेडो मोनक इस धरती पर आ चुका है। और आते ही जिन्वू कहता है, क्या वो बीस्ट मोनक फिर से भाग गया? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना यहाँ से जाने की? तभी जिन्वू अपनी पावर की एक झलक दिखाते हुए उस बीस्ट मोनक को ढूंढ लेता है और पीछे की साइड देखने लगता है। इसी ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाते हुए फ्रॉस्ट मोनक उस पर हमला करता है, पर जिन्वू सिर्फ अपने एक हाथ से उसके अटैक की कमर तोड़ देता है। ये देखकर फ्रॉस्ट मोनक कहता है, सो ये है शैडो मोनक की पावर, द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट एंड द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोनक्स की। जिन्वू मुड़कर कहता है, तेरी बारी लास्ट है, जब तक मैं उस बीस्ट को नहीं पकड़ता यहीं पर वेट करना मेरा। तभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होकर एक जगह पर आता है जहाँ पर बीस्ट मोनक आ रखा होता है भागकर, और वो रिग्रेट कर रहा होता है कि शायद उसने वहाँ से भागने में लेट कर दी है, और वो बस प्लान ही कर रहा होता है कि वो अब बस तब तक छुपा ही रहेगा जब तक खुद किंग ऑफ ड्रैगन्स इस धरती पर नहीं आ जाते। तभी एकदम से उसके बगल में जिन्वू आ जाता है और बस उसकी ऑरा से ही बीस्ट मोनक वहां पर हार मान लेता है और जिन्वू के आगे अपना सर झुका देता है और उससे माफी मांगने लगता है। ये सुनकर जिन्वू जैसे ही ऑल राइट कहता है, बीस्ट मोनक अचानक से खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता है रियल शैडो मोनक कभी माफ नहीं करता, तो उसे लगता है कि ये रियल शैडो मोनक नहीं है। पर उसी टाइम जिन्वू उसे अपने घाव दिखाता है जो उसी बीस्ट मोनक ने दिए होते हैं और कहता है, तेरे अटैक की वजह से मेरे सीने पर 5 निशान आ चुके हैं, तो अगर तू मेरे 5 अटैक्स को झेल लेगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। ये सुनकर ही बीस्ट मोनक भड़क कर जिन्वू पर अटैक करने का ट्राई करता है, पर जिन्वू उसे कमिश के डैगर से ही खत्म कर देता है पलक झपकते ही। और जिन्वू वहां पर कहता है, तो बस अब 4 बचे हैं, और यहाँ पर वो 4 की बात उन मोनक से कर रहा होता है जो बस अब 4 ही बचे हैं। यहीं पर अब हम वापस लड़ाई वाली जगह पर आते हैं जहां पर हम देखते हैं कि इग्रिस अकेला फ्रॉस्ट मोनक से भिड़ रहा होता है और अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है। तभी वहां पर इग्रिस के साइड से जिन्वू भी आ जाता है और सीधा बीस्ट मोनक के 2 दांत फ्रॉस्ट मोनक के आगे फेंक कर कहता है, द किंग ऑफ बीस्ट मर चुका है। फ्रॉस्ट मोनक वहीं पर यह सोचकर शॉक होता है कि जिन्वू ने सिर्फ कुछ मिनटों में ही उस बीस्ट मोनक को मार दिया। जिन्वू वापस कहता है, तुम तीनों मोनक्स की मौत बाकी मोनक्स के लिए एक वार्निंग होगी। ये सुनकर फ्रॉस्ट मोनक चिढ़कर चिल्लाता ही है कि जिन्वू उस पर भी अटैक कर देता है और एक स्लैश से खत्म भी, और कहता है उससे, वो बीस्ट मोनक तो मेरे 4th हमले में मरा, तुझे क्या लगता है तू कितना टिक पाएगा? एंड ये सुनते सुनते ही फ्रॉस्ट मोनक वहां पर चिल्लाकर मर जाता है। एंड अब फाइनली तीनों मोनक्स मर चुके हैं। तभी जिन्वू इसी के बाद बेरू से पूछता है कि कौन था वो जिसने मुझे बचा कर रखा था, वो अभी यहां से गायब हो चुका है। तभी यहाँ से हमारा फिर से सीन शिफ्ट होता है और जिन्वू के बाप पर आता है जो बहुत घायल हो रखा होता है उस लड़ाई से और मर ही रहा होता है, क्योंकि वो एक रूलर का ही वैसल है जो हमें लड़ाई के दौरान पता लग चुका था, और वो एक्सेप्ट भी कर चुका है कि वो मर रहा है। पर तभी जिन्वू वहाँ पर आ जाता है और कहता है, आपने ये नहीं सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि अगर आप वहाँ से ऐसे गायब हो जाओगे तो? क्या आप फिर से बिना कुछ बोले जा रहे हो फादर? तभी हम वहाँ एक छोटा फ्लैशबैक देखते हैं जिन्वू के बाप का, कि कैसे वो एक डंगन में फंस जाता है और रूलर्स उसे आकर वहाँ पर बचाते हैं। ये एक पूरी थोड़ी बड़ी कहानी है जो हम किसी दिन एक दूसरी वीडियो में देखेंगे। अब ये सब चीज बताकर जिन्वू का बाप उसे रीजंस दे देता है कि वो क्यों ऐसे गायब हुआ था। इस टाइम तक जिन्वू का बाप उससे कहता है, क्या तुम मुझे हेट करते हो? जिन्वू सर झुकाकर कहता है, हाँ कभी कभी, आपको पता है जब मैं पहली बार हंटर बना, जब मैं मौत के दरवाजे के बहुत करीब था, और जब मैं बहुत किस्मत से बचा सिर्फ मॉम और जीना को देखने के लिए, तब आप मेरे माइंड में आते थे और मैं उसी टाइम पर हमेशा आपको हेट करता था, बट मैंने आपको मिस भी करा, बहुत करा। आपका क्या ख्याल है, क्या आपने हमें मिस करा कभी? जिन्वू का बाप रोते हुए कहता है, मैंने मिस करा तुमको हर टाइम, इवन दो कि तुम लोग मुझे देख नहीं पाए, मैं बहुत खुश था तुम सबको दूर से देखकर। ये कहते कहते ही वो जिन्वू को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, तुम बहुत बड़े हो गए हो जिन्वू। जिन्वू भी रोते हुए गुस्से से कहता है, क्या वो रूलर्स आपको कंट्रोल करके मुझसे दूर कर रहे हैं? जिन्वू का बाप वापस कहता है, उन्होंने तो मुझे बस एक अपॉर्चुनिटी दी थी चूज करने की, और मैंने चूज करा तुमको प्रोटेक्ट करना, और मुझे इस चीज का रिग्रेट भी नहीं है, मैं बस तुमसे और बात करना चाहता था,
तुम्हारे साथ थोड़ी और देर रहना चाहता था। मुझे माफ करना मेरे बेटे, मैं तुम्हारा एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। ये कहते कहते जिनवू का बाप वहां से डिसअपीयर हो जाता है, मतलब मर जाता है। जिनवू वहां पर आसमान में गुस्से से देखते हुए बहुत तेज चिल्लाकर कहता है, सुनो मोनाक्स, तुम सब इसकी भारी कीमत चुकाओगे जो आज हुआ है, सुन रहे हो ना। अब इस बैटल के खत्म होने के बाद ही अब पूरा सियोल रेस्क्यू में है। लोकल लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है। हम ऊपर से देख सकते हैं कि मोनाक्स ने पूरा सियोल को तहस नहस कर दिया है। पूरी दुनिया हिल चुकी है ये सब देखकर। मिस्टर वू जो अभी करंट चेयरमैन है वो भी ये सब टीवी में देखकर कहता है, आई गेस इट्स ओवर नाउ। वो तीनों बीस्ट टाइप डीमोनिक बीस्ट अब मर चुके हैं। तभी यही मिस्टर वू को जिनवू की कही बात याद आती है जो उसने वादा करते हुए कहा था कि जिस बीच ने चेयरमैन को मारा है पुराने वाले, वो उसको अपने हाथों से मारेगा और इसके बाद ही वो उसका थैंक्स भी लेगा। मिस्टर वू यहाँ पर रोते हुए जिनवू का थैंक्स करता है। अब यहीं पर पूरी सिटी रिकंस्ट्रक्शन में आ चुकी है, दोबारा बिल्डिंग्स को रीबिल्ड करा जा रहा है। बट अभी भी एक बड़ी मुसीबत तो आनी बाकी है कुछ दिनों में। यस आप सही समझे, हम इस बड़े गेट के बारे में तो भूल ही गए जो अब खुलने वाला है, वो भी सियोल के ऊपर। पूरी दुनिया भर से हंटर्स आ चुके हैं कोरिया के अंदर इस कोलोसल गेट का सामने करने के लिए। यहीं पर हमें चाइना का नंबर वन हंटर भी दिखता है, लियू जिंगांग। थॉमस आंट्रे भी गेट को देखते हुए कहता है ये अब जल्दी खुलने वाला है। जिनवू भी वहीं पर होता है। चाइन उसके पीछे से आकर उससे कहती है, मैंने कभी तुम्हें इतना नर्वस नहीं देखा जिनवू। जिनवू भी कहता है ऐसा है क्या। तभी हम देखते हैं कि गेट ओपन हो जाता है, सब लोग तैयार हो जाते हैं बैटल के लिए। पर जिनवू यहाँ पर शॉक हो जाता है क्योंकि उस गेट से शैडो सोल्जर्स की पूरी आर्मी बाहर आती है। ये आर्मी इतनी खतरनाक दिख रही होती है कि हंटर्स हिल नहीं पा रहे होते अपनी जगह से, और अटैक करने की बात तो बहुत दूर की। मिस्टर वू भी पैनिक हो जाता है। जिनवू तभी कहता है इट्स ऑल राइट चेयरमैन। तभी सबसे आगे वाला सोल्जर जिनवू के सामने आ जाता है और अपना सर झुकाकर वो कहता है, मैं हूँ ग्रैंड मार्शल बेलियन। हम सब अब रिस्पेक्टफुली अपना सर झुकाते हैं हमारे किंग के आगे। पीछे से पूरी शेडो आर्मी भी जिनवू के आगे झुक जाती है। ये देखकर वहां पर सभी हंटर्स शॉक और कंफ्यूज हो जाते हैं। थॉमस आंड्रे भी जिनवू की ये आर्मी को देखते हुए लिनार्ड से कहता है, क्या तुम देख रहे हो उन्हें, ये एक ड्रैगन ही पूरी हमारी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था एक टाइम पर, और यहाँ पर देखो वो तीन तीन है। जिनवू समझ जाता है कि ये शेडो आर्मी प्रीवियस शेडो मोनाक यानी एशबॉर्न की है जो उसने छोड़ दी थी अपने जाने के बाद। और इसी के बाद जिनवू स्माइल करते हुए कहता है, अब होगी ना रियल वर्ल्ड स्टार्ट। अब यहीं पर कुछ ही दिनों बाद हम कोरियन हंटर एसोसिएशन में देखते हैं कि एक मीटिंग चल रही है जिसमें हमें पता लगता है कि एकदम से फिर से जिनवू के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। हर कोई उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। हंटर एसोसिएशन को कॉल करके सब परेशान कर रहे हैं कि उन्हें संग जिनवू का इंटरव्यू चाहिए। हर मीडिया, हर प्रेस रिपोर्टर, हर कंट्री के सब लोग। यहीं से फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर जिनवू पर आता है जहां पर उसने एक जगह पर अपने सारे सोल्जर्स को खुला छोड़ रखा होता है। तभी हमें बेलियन के द्वारा ये पता लगता है कि जिनवू ने अपनी पूरी आर्मी को दो हिस्सों में बांटकर उनसे बैटल प्रैक्टिस करवा रहा है। वहीं पर बेरू पीछे से आकर जिनवू से कहता है, प्लीज मेरी क्वालिफिकेशंस को टेस्ट करिए फॉर ग्रैंड मार्शल पोजीशन। एज अ कमांडर मैं ग्रैंड मार्शल बेलियन को चैलेंज करता हूँ एक वन ऑन वन के लिए। जिनवू भी इसके लिए हाँ कर देता है क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग बैटल होगी पुराने शेडो मोनाक के नंबर वन शेडो सोल्जर और करंट शेडो मोनाक के नंबर वन शेडो सोल्जर के बीच में। पर इस बैटल का रिजल्ट हमें बहुत जल्दी मिल जाता है। बेलियन बेरू को आराम से हरा देता है और जिनवू भी यहाँ पर बेलियन की पावर को देखकर इंप्रेस होता है और कहता है, इसके रिफ्लेक्सेस बियॉन्ड है उससे जो मैंने सोचा था। हर सिंगल अटैक इसका इतना पावरफुल है कि ये अर्थ तक को डिस्ट्रॉय कर दे। इसमें अब कोई हैरानी की बात नहीं है कि यही ग्रैंड मार्शल है। तभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होकर चाइना के एयरपोर्ट पर आता है जहाँ पर लियू जिंगांग कोरिया से वापस आ रहा होता है। वहीं एक रिपोर्टर लियू से कहता है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारे पास कोई रीजन नहीं था कि हम साउथ कोरिया की हेल्प करें, आपका इस पर क्या कहना है। लियू कहता है कि कौन है ये लोग जो इतना फालतू बात कर रहे हैं, क्या इन लोगों के पास दिमाग नहीं है। जो भी लोग ऐसा कह रहे हैं उनसे बस मैं ये एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं लियू जिंगांग खुद इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि जिस चीज को संग जिनवू ना हरा पाए उसको मैं हरा दूं। मैं बस उधर उनकी हेल्प करने गया था, जिसको अभी भी इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो खुद जाकर लड़ ले इंडोमिनिक बीच से। तभी जैसे ही लियू एयरपोर्ट से बाहर आता ही है कि उसकी आंखें फटी रह जाती है क्योंकि वहां चाइना में भी एक कोलोसल गेट अपेयर हो चुका है उनके ऊपर शंघाई में। फिर से यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होकर मोनाक पर आता है जहाँ पर हम फाइनली फाइनल बॉस यानी किंग ऑफ ड्रैगन्स को देखते हैं, जिसको पता लगता है कि शैडो मोनाक उसके खिलाफ हो चुका है और अब वो खुद इस लड़ाई में कदम रखेगा और एक फाइनल बैटल के लिए सबको तैयार होने के लिए कहता है। वापस हम यहाँ पर बेरू और बेलियन की फाइट पर आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि बेरू हर बार सिर्फ हार ही रहा होता है और दोबारा चांसेस मांग रहा होता है लड़ने का। जिनवू भी उससे पूछता है, बेरू तो इतना उतावला क्यों है ग्रेट कमांडर बनने के लिए। बेरू कहता है, मैं ग्रेट कमांडर बनकर आपके बगल में रहना चाहता हूँ हर टाइम। जिनवू वापस कहता है, अबे गधे, अगर बेलियन मेरे राइट में खड़ा है तो तू मेरे लेफ्ट में खड़ा हो सकता है।
भेरू यहाँ पर थोड़ी देर सोचता है, फिर रोते हुए थैंक यू करता है। पीछे से इग्रिस भी आता है चांस मांगने, पर जिन्वू उससे अपने पीछे खड़े होने के लिए कहता है। वहीं पर हम जिन्वू के साथ साथ देखते हैं कि उसकी आर्मी आसमान में आग बरस रही है, सब तैयार है अब बैटल के लिए। बेलियन जिन्वू से कहता है, माई लॉर्ड आपने इन सबको ऐसे खुला क्यों छोड़ रखा है। जिन्वू कहता है, ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होगा सिंस वो सब इस पूरे टाइम तक डायमेंशन के बीच में ही थे फंसे हुए। बेलियन क्या तुम सैड नहीं हो कि तुम अब अपने फॉर्मर शैडो मोनार्क एशबॉर्न से कभी नहीं मिल पाओगे। बेलियन कहता है, मैं हमेशा ही उनकी साइड रहा हूँ, इवन कि जब हम रूलर्स तक के साथ लड़ रहे थे मैं उनका फर्स्ट वॉलंटियर था एज अ सोल्जर जब उन्होंने पावर ऑफ डेथ को एक्वायर करा था। मैं हमेशा से ही उनके साथ रहा हूँ और इसके बावजूद भी मैंने कभी उनकी जजमेंट्स पर डाउट नहीं करा। जिन्वू वापस कहता है, मेरे को तुम्हारे और एशबॉर्न के बारे में और सुनना है, क्या तुम बताओगे मुझे। बेलियन यहाँ पर बताना शुरू करता है ये कहकर कि ये एक बहुत लंबी कहानी है। और यहीं हमारा फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि जिन्वू अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है बहुत खुशी खुशी। जहां पर अब उसे वहां से मिस्टर वू अपने पास बुलाकर उससे बताता है कि शंघाई चाइना में एक और कलोसल गेट अपेयर हो चुका है। और ये बस शंघाई की बात नहीं है, ऐसे ही 8 गेट पूरी दुनिया में अपेयर हो चुके हैं ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। जिस पर मिस्टर वू जिन्वू से पूछता है कि क्या ये भी कहीं तुम्हारी आर्मी का पार्ट तो नहीं, जिस पर जिन्वू मना करता है। यहीं पर जिन्वू अब खड़ा होकर मिस्टर वू के माथे पर उंगली रखकर उसे भी सारी सच्चाइयां दिखा देता है, जिसको जानने के बाद मिस्टर वू सगमे में चला जाता है घबराकर, क्योंकि उसे भी अब सब चीज पता लग चुकी है कि सब कुछ डिल्यूजनल है, हम ह्यूमंस तो बस एक जरिया है, असली लड़ाई तो मोनार्क्स और रूलर्स के बीच में है। मिस्टर वू जिन्वू से दोबारा पूछता है कि क्या वो अकेला लड़ने वाला है इन सबसे, जिस पर जिन्वू हाँ करता है। तभी मिस्टर वू कहता है, क्या हम इसमें तुम्हारी कोई हेल्प कर सकते हैं क्या। अब यहीं से दोबारा हमारा सीन शिफ्ट होकर अगले दिन पर आता है, जहां हमें पता लगता है कि एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें 158 कंट्रीज पार्ट ले रही हैं। जिन्वू भी यहां पर आ जाता है। यहां पर हमें यह भी पता लगता है कि जिन्वू आज सारा सच पूरी दुनिया के सामने ला रहा है। तभी मीटिंग स्टार्ट होती है जहां पर काफी लोग आ रखे होते हैं, जैसे कि कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, गिल्ड मास्टर्स एंड इवन द चेयरमैन ऑफ द हंटर एसोसिएशंस। वहां पर सभी लोग डिप्रेस्ड लग रहे थे। अब जिन्वू यहां पर उन सबको बताना स्टार्ट करता है और कहता है, हम इस फाइट को अवॉइड नहीं कर सकते, वो लोग आएंगे हमारी आंखों के सामने और तबाही मचा देंगे। यहाँ पर मोस्टली लोग जिन्वू की बात का विश्वास नहीं करते और उसको उल्टा अपोज करते हुए कहते हैं, ये मत कहना कि इवन नेशनल लेवल हंटर्स भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस पर जिन्वू कहता है, तुम लोगों को पता ही है कि कमीज जैसे 100 से भी ज्यादा डेमोनिक बीस्ट इस धरती पर आने वाले हैं, इनमें से एक भी पहले हमारी धरती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हुआ करता था, नॉट इवन नेशनल लेवल हंटर्स इन्हें रोक पाएंगे। यहीं पर सब लोग प्रूफ प्रूफ चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। तभी जिन्वू उन सबके आगे मल्टीपल गेट्स को अपेयर कर देता है, जिसको देखकर वो थोड़ी देर चुप होने के बाद फिर से सवाल करते हैं और कहते हैं, ये तुम कैसे कर पाते हो, क्या तुम ही तो नहीं जो गेट्स को बनाता है। जिन्वू कहता है, हमारे एनिमीज ऐसे ही गेट्स को जब चाहे जिधर चाहे वहां खोल सकते हैं, जैसे मैंने खोला अभी। बस वो अभी अपना टाइम ले रहे हैं अपनी आर्मी को और बड़ा करने के लिए, जिस पर अब वो लोग जिन्वू को ही उनमें से एक तो नहीं करके पूछते हैं। जिस पर अब वो थोड़ी देर बाद जिन्वू पर ट्रस्ट कर लेते हैं और पूछते हैं कि अब क्या करना है। जिन्वू कहता है, जितना दूर जा सको उन गेटों से उतना दूर चले जाओ। और यही बात हर जगह पूरी दुनिया में फैल चुकी है गेट से दूर जाने वाली, और लोग सारे भगदड़ी में दूर जा रहे हैं। इसी के साथ अब फाइनल बैटल का आगाज भी हो चुका है। एंड वहीं पर आगे अब जिन्वू बेलियन से पूछता है कि जो आर्मी हमसे लड़ने आ रही है वो कितनी बड़ी है हमारे कंपैरिजन में, जिसके जवाब में बेलियन बताता है कि उनकी आर्मी हमारी आर्मी से 100 गुना ज्यादा बड़ी है, यानी उनकी आर्मी में 10 मिलियन सोल्जर्स हैं। ये सुनते ही जिन्वू भी चिंता में चले आता है। अब आगे हम देखते हैं कि एक कनाडा का एस रैंक हंटर जे मिल्स, वो जिन्वू की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, उल्टा उसकी बातों को वो झूठ बोलता है मीडिया के अंदर जाकर। यही न्यूज मिस्टर वू भी जिन्वू को दिखाता है और बताता है कि बहुत सारे हंटर्स कनाडा में जमा हो रहे हैं और उनका लीडर जे मिल्स ही है, दुनिया में हर जगह रेड्स की तैयारी चल रही है, तुम्हारा क्या प्लान है अब इसके बाद। जिस पर जिन्वू कहता है, मैं तो फिलहाल अभी चाइना की तरफ जाऊंगा क्योंकि ये चीज इम्पॉसिबल है कि मैं 8 जगह की 8 आर्मी से एक ही टाइम पर लड़ पाऊं, इसलिए सबसे पहले जो गेट कोरिया के सबसे ज्यादा पास है और मेरी फैमिली को जिससे सबसे ज्यादा खतरा है मैं उसे निपटूंगा, और उसके बाद ही मैं बाकी मोनार्क्स को भी देख लूंगा। जितनी लंबी ये बैटल चलेगी उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे हमारे ये बैटल जीतने के। इसके बाद अब जिन्वू चाइना पहुंच जाता है, जिसको लेने खुद लियू जिंगांग आता है एयरपोर्ट में। यहीं पर ये दोनों बाहर आते आते बातें कर रहे होते हैं उस गेट को देखते हुए। तभी लियू अपनी चाइना की पूरी हंटर्स आर्मी को दिखाता है जो कि लगभग 1 लाख के अराउंड थे। तभी जिन्वू भी उसी टाइम अपनी शैडो आर्मी को समन करता है। ये देखकर लियू भी शॉक हो जाता है और कहता है, ये तो एक अनदर लेवल पर ही है। अब यहीं आगे टाइम आ चुका है जब गेट ओपन होता है, सब तैयार हो जाते हैं, बट सरप्राइजिंगली वो गेट खाली निकलता है। जिन्वू को भी कोई प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही होती है उस गेट से।
तभी जिनवू बाकी गेट्स की भी खबर लेता है जो कि सभी खाली होते हैं। बट यहाँ दाल में कुछ काला है, यही चीज को समझने में जिनवू को भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वो घबरा कर कहता है, मैंने सोचा था कि उन्होंने डिफरेंट गेट्स इसलिए क्रिएट करे क्योंकि वो अपनी आर्मी को डिवाइड करके अलग अलग गेट के थ्रू भेजने चाहते थे, बट अब प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऐसा गेट चुना है कि जो मुझसे सबसे ज्यादा दूर है और उधर ही उनकी पूरी आर्मी है जो गेट के थ्रू आने के लिए तैयार है। तभी यहाँ से अब हम कनाडा को देखते हैं जहाँ पर जे मिल्स सारे हंटर्स और लोगों के साथ खड़ा है उस कॉलोसल गेट के आगे जो कनाडा में है, और इन सबको देखकर मुझे एक ही मीम याद आता है। तभी उनके आगे गेट ओपन होता है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है जो है नन अदर देन ड्रैगन किंग आंतेरस, जो बहुत धीरे धीरे हाथ पीछे फोल्ड करके आ रहा होता है नीचे की तरफ। आंतेरस नीचे आते ही जे मिल्स से पूछता है कि क्या वो किंग है यहाँ का, और ये गधा बोल देता है कि हाँ मैं किंग हूँ, वो भी जोश में। और फिर क्या होना था, आंतेरस ने इसे पलक झपकते ही जला दिया और उसके आसपास जितने लोग थे वो भी जल जाते हैं, मतलब राख हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिनवू भी हर जगह से पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कनाडा में चल क्या रहा है। उसे कॉल पर पता लगता है कि एडम व्हाइट हंटर ब्यूरो का वहीं पर है और अभी तक वहां पर भी कुछ खास हुआ नहीं है। जैसे ही जिनवू ये जानने के बाद हल्की सी सांस लेता ही है कि तभी एडम बोलता है, नहीं रुको, एक इंसान इस गेट से बाहर आ रहा है। ये सुनकर जिनवू पैनिक होकर एडम को वहां से भागने को कहता है, इवन अपना शैडो सोल्जर तक भेज देता है वहां पर उसे टेलीपोर्ट कराने के लिए। पर तभी आंतेरस उनके सामने आ जाता है और जिनवू के सोल्जर से पूछता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम कहां जा रहे हो शैडो, और ये बोलने के बाद ही उन्हें भस्म कर देता है। जिनवू कॉल पर बस चिल्लाता रह जाता है और गुस्से से फोन को कान से हटा लेता है। जिनवू को यहाँ पर पता लग जाता है कि क्यों आंतेरस उससे इतना दूर बाहर आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे भी पता है कि जिनवू की आर्मी उतनी बड़ी होती जाएगी जितने लोग जिनवू के आसपास मरेंगे। बेसिकली जिनवू उन्हें लिटरली अराइज करता रहेगा और अपनी आर्मी जोड़ता रहेगा, तो ये था उसका प्लान। और जिस करंट स्टेट पर अभी आंतेरस अपनी आर्मी के साथ खड़ा है वहां पर, उस स्टेट में तो जिनवू भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता इतनी बड़ी आर्मी के आगे अपनी छोटी आर्मी ले जाकर। और अगर जिनवू अभी जाता भी तो एक वो बहुत मूर्खता भरा कदम होगा। यहीं इसके बाद जिनवू सीधा हंटर ब्यूरो पहुंच जाता है उनसे कमिश के रून स्टोन्स लेने, क्योंकि जिनवू उन रून स्टोन्स को एज अ काउंटर अटैक यूज करेगा फाइट के दौरान। तभी जिनवू रून स्टोन्स लेने के बाद उनसे एक और फेवर मांगता है, वो है मिस सेलनर का एड्रेस। ये वही है जो हंटर्स का फ्यूचर बताती है, उन्हें लिटरली अपग्रेड करती है। जिनवू उधर अपना फ्यूचर जानने जाता है जहां मिस सेलनर जिनवू का हाथ पकड़कर फ्यूचर जानने की ट्राई करती है कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं क्योंकि वो देखती है कि जिनवू सबको बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा, वो सारी चीजें अपने आप में ही झेलेगा सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुनने के बाद जिनवू थोड़ा खुश होता है क्योंकि इसका मतलब ये है कि जिनवू टाइम पर आंतरस से लड़ने अपनी फौज के साथ वहां पर पहुंच जाएगा। यहां से जिनवू अब सीधा एक और एकांत जगह पर आ जाता है सिर्फ अकेला, जहां उसे चाइन का कॉल आता है जहां पर वो दोनों काफी टाइम बाद बात कर रहे होते हैं। एट लास्ट चाइन जिनवू से कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे मिलोगे इन सब चीजों के बाद, जिस पर जिनवू प्रॉमिस कर देता है और यहां पर दोनों फोन काट देते हैं। ये थोड़ा इमोशनल भरा सीन होता है हल्का सा। अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम आंतरस को देखते हैं जो आसमान में देख कर कहता है, मैं यहीं हूं, मैं ऑलरेडी 10 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान ले चुका हूं और कितनी जानों की कुर्बानी चाहिए तुम्हें अपने छुपे रहने के चक्कर में। जिनवू भी दूसरी साइड से कहता है, हम जल्दी मिलेंगे। फिर यहीं हम दोबारा आंतेरस को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के ऊपर से खड़ा होकर सोचते हुए कहता है कि क्या चल रहा है, ये हरामी अभी तक इतना चुप कैसे है, क्या चीज प्लान कर रहे हो तुम शेडोमोनाक। हालांकि ये अलग बात है कि मैं अपनी 10 मिलियन सोल्जर्स के साथ यहाँ पर उसका वेट कर रहा हूँ और हमारे सामने 1 लाख की आर्मी के साथ हमला करना एक अपने आप में ही आत्महत्या होगी। तभी वहां जैसे ही आंतेरस सब बोल ही रहा होता है कि तभी US आर्मी आंतेरस पर मिसाइल से अटैक करती है जिससे उसे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है पर वो उनकी अलग लंका लगा देता है। वो सिर्फ अपनी आवाज से ही वो सारे जेट्स को जला देता है आसमान में ही और उन्हें तबाह कर देता है। दूसरी तरफ जिनवू को बेरू बेलियन और इग्रिस ने रोक रखा होता है क्योंकि वो चाहते हैं जिनवू इस फाइट पर ना जाएं। बेसिकली उन्हें जिनवू को खोने का डर है। तभी जिनवू उन्हें कहता है, मैं जानता हूं गाइस तुम्हें मेरी चिंता है बट कभी कभार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां तुम्हें रिस्क लेना पड़ता है, सो यही वो टाइम है। ये सब बोलने के बाद वो सब जिनवू की बात मान लेते हैं और अब ये सब मिलकर लड़ाई में जाने के लिए तैयार हैं। यहीं हम कनाडा में वापस आते हैं जहां हम देखते हैं कि आंतेरस की पूरी आर्मी ने वहां तबाही मचा रखी है, लोगों को कच्चा चबा रहे हैं वो लिटरली। जिनवू फाइनली अब वहां एक तरफ से एंट्री मारता है और आंतेरस की आर्मी को खत्म करते हुए उन सबको अराइज करके अपनी आर्मी में जोड़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ आंतेरस को भी पता लग जाता है कि शैडो मोनाक ईस्टर्न साइड से घुस चुका है और अपनी आर्मी बढ़ा रहा है। बाकी बचे हुए 2 मोनाक्स भी आंतेरस के साथ ही खड़े होते हैं उधर। यही हम वापस लड़ाई में देखते हैं कि जिनवू आसानी से एक तरफा उस आर्मी को पेल रहा होता है और ये चीज फिर से दोबारा आंतेरस को महसूस होती है कि जिनवू हर मिनट स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। तभी आंतेरस अब लड़ाई में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो बाकी 2 मोनाक्स को भी आदेश देता है लड़ाई में घुसने के लिए।
जिस पर वो मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन को वहीं रुकने को कहता है और उससे एक स्पेशल अटैक प्रिपेयर करने को कहता है शैडो आर्मी के अगेंस्ट यूज करने के लिए। वहीं से अब यहाँ पर लड़ाई में थॉमस आंड्री भी एंट्री मारता है, जिसके सामने तभी आयरन बॉडी मोनार्क आ जाता है जो थॉमस आंड्री से कहता है अरे तू वही है ना रूलर का वेसल जो बीच मोनार्क से उसके मरने से पहले बहुत पिटा था, और मैं श्योर हूँ कि तुझे पता ही होगा कि तेरी गर्दन में पलक झपकते ही उड़ा सकता हूँ, क्या तू अभी भी मुझे रोकना चाहेगा। थॉमस कहता है मुझे नहीं पता और वैसे भी मैं चैलेंजेस से नफरत करता हूँ। तभी वहां थॉमस के साइड में बेलियन आ जाता है पूरी शैडो आर्मी के साथ। जिनवू की शैडो आर्मी को देखकर मोनार्क हिल जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जिनवू की पूरी शैडो आर्मी इधर ही होगी। यही चीज वो आंत्रेस को बताने के लिए ट्राई करता है, मतलब उसे कॉन्टेक्ट करने का ट्राई करता है, पर वो नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ अवर टस्क बाबा जिन्होंने उस पूरे एरिया में अपना बैरियर लगा दिया है ताकि कोई कॉन्टेक्ट ना कर पाए एक दूसरे को। ये देखकर मोनार्क गुस्से से कहता है क्या ये टैक्टिक शैडो मोनार्क की है, ये एक मोनार्क का तरीका नहीं है लड़ने का बल्कि ये तरीका एक इंसान का होता है, इसको कोई हक नहीं है एक मोनार्क बनने का। तभी सामने से बेरू आते हुए कहता है जो तूने अभी बोला वो सब वापस ले वरना इसकी कीमत तुझे बहुत भारी पड़ेगी। मोनार्क कहता है अबे कीड़े तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है। यहीं अब इन दोनों की भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहीं से हमारा दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हम अब फाइनली आंतेरस और जिनवू को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं। तभी आंतेरस देखता है कि वो मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा है और इसके रीजन में वो सोचता है कि या फिर मोनार्क आयरन बॉडी ने उसे धोखा दे दिया है और या फिर ये सब जिनवू की शैडो आर्मी कर रही है। फिर आंतेरस ये सोचने के बाद ही एक अटैक जिनवू की तरफ करता है उसे जान से मारने के लिए, जिसको जिनवू डॉच कर लेता है और अपनी आर्मी को राइज करता है आंतेरस से लड़ने के लिए, जिसको आंतेरस आराम से खत्म कर देता है। तभी जिनवू लड़ाई के बीच में ही एक पोर्टल खोलकर वहां से जाने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर आंतेरस भी उसके पीछे पीछे उस पोर्टल से कहीं और पहुंच जाता है और वो जहां पहुंचता है वो जगह है जिनवू की आर्मी का अड्डा, यानी जिनवू की आर्मी बेरू बेलन ने मिलकर आयरन बॉडी मोनार्क को हरा दिया है और उसकी आर्मी को अपनी शैडो आर्मी में कन्वर्ट कर लिया है और यही सब कुछ जिनवू का पूरा प्लान था। ये देखकर आंतेरस कहता है क्या बात है ये स्ट्रेटेजी इतनी बुरी भी नहीं थी बट तुम बहुत इलॉजिकल हो शैडो मोनार्क, तुम्हें लगा कि सिर्फ मैं ही तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ पर तुम बहुत गलत हो। ये बोलने के बाद ही तभी उनके ऊपर बहुत सारे गेट्स अपेयर हो जाते हैं मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन की हेल्प से, जिसके अंदर से अब पूरी ड्रैगन आर्मी बाहर आ रही है। ये देखते हुए आंतेरस जिनवू से कहता है ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारा प्लान चौपट कर दिया, तुम्हारी ये मिस जजमेंट ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी, अब यही तुम्हारा लॉस है। वहीं जिनवू हंसते हुए अपनी पूरी आर्मी को वहां से वापस बुला लेता है अपने पास। ये देखकर आंतेरस को लगता है कि शायद जिनवू गिव अप कर रहा है क्योंकि उसकी पूरी आर्मी के आगे जिनवू अपनी छोटी आर्मी से क्या ही कुछ कर लेगा, पर यहाँ पर उसका सोचना बिल्कुल गलत होता है क्योंकि अब यहीं जिनवू रूनस्टोन्स की हेल्प से ड्रैगन फेयर अटैक का यूज करता है जिससे आंतेरस की पूरी आर्मी हवा में ही फ्रीज हो जाती है। यही सब देखकर आंतेरस भी शॉक हो जाता है। तभी एकदम से जिनवू आंतेरस को उठाकर उसे कहीं और ले आता है टेलीपोर्ट कराकर, जहां पर उसका अपना कैसल है जो बेरू ने बनाया था उसके लिए। तभी वहां आंतेरस फिर से जिनवू के प्लान को समझते हुए कहता है एक ऑल आउट वॉर में तुम्हारे पास एडवांटेज होता अगर तुम्हारे पास एक बड़ी आर्मी होती तो, हालांकि वो तो है नहीं तुम्हारे पास और इसकी वजह से तुम्हारी मैजिक पावर बहुत जल्दी खत्म हो जाती, इसलिए तुम मुझे इधर लाए और ये एक बहुत अमेजिंग स्ट्रेटेजी है तुम्हारी मेरे को मेरी आर्मी से बहुत दूर लाने की। अब यहीं वो दोनों फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। आंतेरस अपने आप को एक बड़े ड्रैगन में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब ये उसकी ट्रू फॉर्म है। जिनवू भी अपनी शैडो आर्मी को वापस बुला लेता है। यहीं पर अब दोनों की आर्मी के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिनवू की शैडो सोल्जर्स आंतेरस पर थोड़ा भारी पड़ रहे हैं, पर ये उनकी एक भूल थी। तभी आंतेरस अपनी हल्की सी हंसी निकालकर उन्हें अपना रियल फॉर्म दिखाता है और यूज करता है ड्रैगन फेयर अटैक। यही सेम अटैक जिनवू ने भी यूज करा था आंतेरस की आर्मी पर और वो भी यही अटैक का यूज करता है। अब यहाँ पर जिनवू के सारे शैडो सोल्जर्स फ्रीज हो जाते हैं, जिनवू उनको कंट्रोल तक नहीं कर पा रहा होता है। जिनवू जैसे ही समन कैंसिल ही कर रहा होता है कि तभी आंतेरस फिर से एक भयंकर फायरबोल्ट अटैक जिनवू पर छोड़ देता है। ये अटैक ऐसा होता है कि उसके आसपास सारी चीजें आग की लपटों में जल रही होती हैं। आंतेरस कहता है यह है असली चीज, एक तबाही का अवतार जो कभी किसी के सेक्रीफाइस के लिए नहीं हिचकिचाता। खून, चीखे, पागलपन और तबाही, इन सबका कॉम्बिनेशन। एक ऐसा बीइंग जो सिर्फ युद्ध के लिए ही पैदा हुआ है, वो हूँ मैं आंतेरस, द किंग ऑफ ड्रैगन्स एंड द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। यहीं पर जिनवू भी टेंशन में आंतेरस की पावर्स को जान ही रहा होता है। उसको ऐसे अपने घुटने में देख आंतेरस जिनवू को एक मौका देते हुए कहता है
वो इम्प्रेस्ड है कि जिनवू ने उसे एक कोने तक ढकेला और वो चाहता है कि जिनवू उसका साथ दे पहले की तरह रूलर्स के अगेंस्ट लड़कर उनको हराने के लिए। और अगर जिनवू ये मानता है तो आंथ्रेस उसकी फैमिली, उसकी कंट्री या फिर पूरा अर्थ बग्स देगा और जिनवू को ही उस अर्थ को सौंप देगा पूरा और वो खुद यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। कहने के बाद ही आंथ्रेस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जिनवू को हाथ मिलाने को कहता है। ये देखकर जिनवू कहता है, अबे तू क्या मुझे हंसाना चाह रहा है, तेरी आंखें चीख चीख कर बयां कर रही हैं कि तू मुझे मारना चाहता है, वो भी जान से। आंथ्रेस भी फिर अपनी ईविल हंसी के साथ उसे कहता है कि तूने अपना आखिरी चांस भी गवा दिया। दोबारा आंथ्रेस ड्रैगन फॉर्म में आकर जिनवू पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो अब यहाँ पर दोबारा इन दोनों की फाइट कंटिन्यू हो जाती है। आंथ्रेस अपने हैवी अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है पर जिनवू काइजल के ऊपर बैठकर उन सारे अटैक्स को डॉच कर रहा होता है। तभी जिनवू भी आंथ्रेस पर हमला करता है मौका देखकर, पर आंथ्रेस को खरोंच तक नहीं आई होती है उससे। ये देखकर जिनवू भी शॉक हो जाता है। फिर जिनवू वहीं भागने की कोशिश कर ही रहा होता है कि आंथ्रेस दोबारा ड्रैगन फेयर का यूज करके काइजल को हवा में ही ढेर कर देता है। फिर जैसे ही जिनवू उस पर से डिसबैलेंस होकर गिरता ही है कि उस पर फिर से आंथ्रेस अपना अटैक छोड़ देता है बिना कोई टाइम गवाए। पर जैसे तैसे जिनवू फिर से बच जाता है और वहीं अपने तीन ड्रैगन्स अराइज करके आंथ्रेस पर छोड़ देता है, जिस पर वो तीन ड्रैगन्स अच्छा खासा हमला कर रहे होते हैं आंथ्रेस पर। यहीं ऊपर से जिनवू ये फाइट देखते हुए कहता है कि ये एंशियंट ड्रैगन्स जो बिलिन की लीड पर हैं, ये भी इनएफेक्टिव साबित हो रहे हैं आंथ्रेस के अगेंस्ट, क्योंकि आंथ्रेस की स्किन बहुत हार्ड है एक माउंटेन की तरह। यहाँ पर जिनवू भी समझ जाता है आंथ्रेस की भयंकर पावर्स को देखकर और कहता है कि आंथ्रेस उन सबसे अलग और सबसे ज्यादा ताकतवर है जिनसे अभी तक जिनवू लड़ा है, एंड उसे अब यहाँ पर और ताकतवर होना पड़ेगा पहले से भी बहुत ज्यादा आंथ्रेस को रोकने के लिए। यही कहने के बाद ही जिनवू को अचानक से आर्मर याद आता है आंथ्रेस की स्किन को देखकर, जो इतनी कठोर है माउंटेन की तरह, और तभी बहुत सारी डार्कनेस जिनवू के आसपास जमा होने लग जाती है। ये देखकर आंथ्रेस भी शौक होकर कहता है, ये हरामी अब क्या प्लान कर रहा है, इतनी सारी डार्कनेस इसके आसपास कैसे जमा हो रही है। तभी हम देखते हैं कि जिनवू ने पावर ऑफ डार्कनेस की हेल्प से एक बहुत बड़ा और कठोर आर्मर बना लिया है अपने लिए। ये देखकर फिर से आंथ्रेस की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जिनवू पावर ऑफ डेथ को धरती पर ले आया है और ये चीज जो कि पिछला फ्रेगमेंट ऑफ ब्रेन राइट यानी एशबर्न भी नहीं कर सकता था, ना ही उसके बस की बात थी। तो अगर आपको पता ना हो तो ये पावर ऑफ डेथ एक डार्क एनर्जी है दूसरे डायमेंशन की, जहाँ रूलर्स और मोनार्क्स रहते थे और वहीं पर ये मौजूद थी, एंड अब ये एक आर्मर की तरह जिनवू के ऊपर आ जाती है। इसी पावर को फील करते हुए जिनवू कहता है, तो यही वो पावर है जो एशबर्न मेले छोड़कर गया है, पावर ऑफ डेथ। अब यहीं आंथ्रेस दोबारा बिना कोई टाइम गवाए फिर से हमला करता है, ये कहकर कि उसे अब शैडो मोनार्क को मारना ही पड़ेगा क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। दोनों आपस में फिर से दोबारा भिड़ जाते हैं। फिर एकदम से आंथ्रेस जिनवू को अपने मुंह से पकड़कर दूर फेंक देता है और साथ ही साथ उस पर फिर से फायर बोल्ट का अटैक कर देता है, जिससे जिनवू का एक हाथ गायब हो जाता है। पर तब भी जिनवू उसकी तरफ आगे बढ़ता है और दोनों के अटैक फिर से टकरा जाते हैं। इन दोनों की ही लड़ाई आपस में बराबरी की चल रही होती है, कभी जिनवू भारी पड़ रहा होता है तो कभी आंथ्रेस। एट लास्ट आंथ्रेस आसमान में जाकर अपना फायर अटैक करता है, जिनवू भी नीचे से अपना अटैक छोड़ता है, दोनों के अटैक फिर से आपस में टकरा जाते हैं। पर इस बार आंथ्रेस प्रॉपर डोमिनेट करके जिनवू के आर्मर को ही पिघला देता है और जिनवू को बाहर आना पड़ता है अपने आर्मर से और अपने घुटनों पर फिर से वो गिर जाता है। ये देखकर आंथ्रेस फिर से ह्यूमन फॉर्म में आकर जिनवू को एक और लास्ट ऑफर देते हुए कहता है उसके साथ आने के लिए, जिसको जिनवू फिर से नकार देता है और अपने आप को फिर से डार्कनेस से कवर करके लड़ने के लिए दोबारा तैयार हो जाता है। अब यहीं पर फिर से ये दोनों आपस में गुत्थम गुत्था होना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर आंथ्रेस लड़ते लड़ते कहता है, जल्द ही तुम सब कुछ खो दोगे जिसको तुम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, चाहे तो कितना बड़ा मौत का राजा हो पर मरने का डर तुझे भी होना चाहिए, तू कुछ नहीं बचा पाएगा। ये कहने के बाद ही आंथ्रेस भारी पड़ते हुए जिनवू के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है और उसे दूर फेंकते हुए कहता है, बेटा इसे कहते हैं असली वॉर, जिसमें तुम्हें सबकी चीखने और तड़पने की आवाजें सुनाई देती हैं। यहीं पर आंथ्रेस धीरे धीरे आगे बढ़कर जिनवू की गर्दन पर तलवार रख देता है, पर तभी जिनवू चालाकी से आंथ्रेस के पीछे से अपनी डैगर से हमला करता है, जिसे दोबारा आंथ्रेस उसे बिना देखे काउंटर करते हुए कहता है, अबे तुझे क्या सही में लगता है कि ये ड्रैगन के दांत से बनी हुई डैगर एक किंग ऑफ ड्रैगन्स का कुछ बिगाड़ सकती है, तुम्हें क्या ये बेवकूफी लगती। हालांकि अब ये फाइट बहुत जल्द खत्म होने वाली है, जिसके जवाब में जिनवू भी कहता है, सही कहा तुमने, मैं भी इस फाइट का अंत देख रहा हूँ। और ये कहने के बाद ही जिनवू उसकी तरफ भागकर अपना फाइनल अटैक करता है और आंथ्रेस को बीच से चीर देता है। इस अटैक में जिनवू अपने सबको याद करता है, सबने प्रियजनों को। और इसी बीच ऊपर से रूलर्स भी अपनी आर्मी के साथ आ जाते हैं गेट को ब्रेक करके। ये देखकर आंथ्रेस कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था और ये पॉसिबल भी कैसे हुआ, मेरे को याद नहीं मैंने आते हुए इधर कोई गेट भी देखा था या नहीं, ये रूलर्स की आर्मी इधर आई कैसे, क्या तुम इतने टाइम से इसी चीज पर एम कर रहे थे, अब आया मुझे समझ तुम्हारा ये प्लान, तुमने तभी मेरी आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करके मुझे यहाँ पर अकेले ले आया
और मुझे उस टाइम लगा कि तुम बस एक अनडिस्टर्ब्ड फाइट चाहते हो, बट ऐसा कोई रास्ता भी नहीं था, तो तुमने रूलर्स को कम्युनिकेट कैसे करा? जिन्हों वापस कहता है, एक रास्ता था, द वेसल ऑफ रूलर्स, जो अभी भी अर्थ पर है। अब हमें यहाँ ये पता लगता है कि जिन्होंने वेसल्स की हेल्प से ये गेट प्रिपेयर करा था और यही एक रास्ता था ये वॉर जीतने का, चाहे जिन्हों खुद हार भी जाता आंतरस से। यहीं पर ये सब जानने के बाद आंतरस अपनी पूरी हार मान लेता है। जिन्हों उससे फिर से कहता है, जिसने मोनाको व्हाइट फ्लेम्स और बीस्ट मोनाको कमांड करा शेडो मोनाक पर हमला करने के लिए, वो तुम ही थे ना? जिस पर आंतरस मुड़कर कहता है, क्या तुम्हें ये सब मोनाको व्हाइट फ्लेम्स ने बताया? जिन्हो तभी मिडल फिंगर दिखाकर आंतरस को कहता है, एशबोन ने ये तुम्हारे लिए भेजा था। यही आंतरस गुस्से से चिढ़कर हमला करता है कि रूलर्स उसे छीन देते हैं हर साइड से, और वो ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ल्यूमिनोसिटी को देखते हुए कहता है, इस दुनिया को ब्राइट लाइट और डार्क शेडोज ने पहले से ही कवर कर रखा था, मेरा शुरू से ही कोई चांस नहीं था ये वॉर जीतने का, शायद से मुझे और वेट करना चाहिए था ट्रू इटर्नल रेस्ट में, ना कि तुम्हारे बनाए हुए इटर्नल रेस्ट में जो तुमने क्रिएट करा था मेरे को धोखा देने के लिए। मैं तुम सबसे दोबारा वहीं मिलूंगा। जिन्हों भी कहता है, चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी मिलूंगा तुझसे वहाँ। और यहीं इसी के साथ आंतरस मारा जाता है। एंड फाइनली ये पूरी लंबी वॉर यहीं पर खत्म होती है। सभी रूलर्स मिलकर अपना आभार प्रकट करते हैं जिन्हों के आगे ये वॉर खत्म करने के लिए, जिसके बाद जिन्हों उनसे एक रिक्वेस्ट मांगता है जो सिर्फ वो ही पूरा कर सकते हैं, और वो रिक्वेस्ट है री इंकारनेशन कप को एक और आखिरी बार यूज करने की, जिस पर रूलर्स कहते हैं कि तुम पक्का ही चाहते हो, क्योंकि अगर इससे 10 साल टाइम पीछे होगा तो सारी मेहनत जो तुमने अभी तक करी है और जो सारे मोनाक्स तुमने अभी तक मारे हैं वो सब जिंदा हो जाएंगे, और उनके पास अभी तक की सारी मेमोरीज भी होगी जो चीजें उनके साथ तुमने करी है अभी तक। जिन्हों उनसे कहता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ, और जब तुम एक बार टाइम पीछे कर दोगे तो मैं चाहता हूँ कि तुम किसी चीज को अर्थ पर ना भेजो, और रही बात मोनाक्स की, उन्हें मैं अकेला संभाल लूंगा एक अलग डायमेंशनल गैप में। फिर यहीं रूलर जिन्हों से इन सब चीज का रीजन पूछते हैं, जिस पर जिन्हों कहता है, हमने बहुत सारे लोग इस बैटल में खो दिए हैं और मैं उन सबको वापस लाना चाहता हूँ। ये जानने के बाद रूलर दोबारा कहते हैं, री इनकारनेशन कप की ड्यूएबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, और अगर तुम इस बार भी फेल होगे तो इसके बाद तुम टाइम को पीछे नहीं कर पाओगे पहले की तरह, और अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो लोग तुम्हें एक हीरो की तरह तुम्हारी पूजा करेंगे और हमेशा के लिए याद भी रखेंगे, एक ऐसा हीरो जिसने मोनाक्स की तबाही को रोका इस धरती पर ना आने के लिए। और हालांकि अगर तुम इसे यूज करोगे तो कोई भी तुम्हें याद नहीं रखेगा, कोई तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेगा हमारे अलावा उस अकेली लड़ाई के बाद। क्या अभी भी तुम चाहते हो कि हम टाइम को पीछे करें? जिन्हों सबको याद करके और हर किसी स्माइल देकर कहता है, हाँ मैं टाइम में पीछे जाऊंगा। यही रूलर्स जिन्हों को बेस्ट ऑफ लक कहकर उसकी बातें मान लेते हैं। तभी जिन्हों एकदम से फेट कहकर उनसे पूछता है कि क्या उसकी शेडो आर्मी भी इसमें गायब हो जाएगी, जिस पर वो लोग मना करते हैं। ये सुनकर जिन्हों थोड़ा और खुश हो जाता है। एंड यही रूलर्स भी री इनकारनेशन कप का यूज कर देते हैं। एंड अब हम पहुंच चुके हैं 10 साल पीछे। छोटा जिन्हों अपने घर में उठकर अपने पापा को जिंदा और उनके साथ देखकर खुशी से रो देता है उनके सामने, एंड कहता है, शायद मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा और वो अब खत्म हो चुका है, सभी लोग जिंदा हैं और मेरे पास हैं, मुझे ये चांस सब कुछ दोबारा सही करने के लिए मिला है और मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोऊंगा, मैं अपने आने वाले फ्यूचर को खुद लिखूंगा अपने हाथों से, बट उससे पहले मैं थोड़ा मौज मस्ती करना चाहता हूँ, बस थोड़ा और। मुझे पता है आसमान से दूर मोनाक्स एक बड़े अटैक की तैयारी कर रहे हैं, बट राइट नाउ मुझे बस थोड़ा और टाइम चाहिए थोड़ा और मस्ती करने के लिए। तभी आगे हम देखते हैं कि जिन्हों अपने रूम में एक नोट छोड़कर वहां से दूसरे डायमेंशन में चले जाता है मोनाक्स को रोकने के लिए, एंड उस नोट में लिखा था कि वो जल्द ही वापस आएगा जिस काम के लिए वो अभी यहां पर आया है। एंड दोबारा से जिन्हों यहां पर सबको यानी सारे मोनाक्स को एक एक करके खत्म करना स्टार्ट कर देता है, और सबसे पहले वो मोनाक ऑफ ट्रांसफिगरेशन को मारता है जो कि इन सब चीजों की मेन जड़ थी। यहाँ पर जिन्हों बताता है कि वो सारे मोनाक्स के अगेंस्ट फाइट जीत चुका है और 27 साल उसे इसी डायमेंशन क्रैक में हो चुके हैं अभी तक, पर यहाँ पर टाइम अर्थ के मुकाबले तेज चलता है, यानी अर्थ में अभी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं जिन्हों को गायब हुए हुए। एंड फाइनली अब वो सब कुछ खत्म करके वापस अर्थ आ रहा है, बट अभी भी हमें यहाँ ये पता लगता है कि ड्रैगन किंग अपनी आर्मी के साथ लास्ट बचा हुआ है इन सब में से, और जिन्हों बेलियन को कहता है, चलो हम अब दूसरी बार नहीं हारेंगे इनसे। दूसरी तरफ ही आंतरस जिन्हों का अपनी ही जगह पर वेट करते हुए कहता है, शैडो मोनाक ट्रूली अमेजिंग है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज करके टाइम को पीछे ले आओगे, वो भी 10 साल। ऐसा सोचना कि मैं अब तुमसे दोबारा मिलूंगा, किसने सोचा था ये, पर अब हम में से एक को सोना पड़ेगा इटर्निटी के लिए। वही जिन्हों भी आ जाता है। अब यहाँ फिर से वो दोनों तैयार हो जाते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं और भिड़ जाते हैं लड़ने के लिए। यहीं से हमारे दिन शिफ्ट होता है और अब हम 2 साल बाद वाले अर्थ को देखते हैं जहाँ सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है।
और जिनवू भी एक गेट के थ्रू वापस अर्थ पर आ जाता है, जहां आते ही उसका स्वागत रूलर्स करते हैं। बट इसी के साथ संग जिनवू की सोलो लेवलिंग वाली स्टोरी यहीं पर खत्म होती है, पर यहां से नेक्स्ट स्टोरी भी स्टार्ट हो जाती है जो की है सुहो की, यानी जिनवू के बेटे की स्टोरी। एंड हाँ, आपको शॉर्ट में बताता हूँ, जिनवू फिर से चाइन से मिल जाता है एंड उनकी शादी भी हो जाती है। सो ये था सब कुछ। तो फाइनली अब हमारी सोलो लेवलिंग खत्म हो चुकी है एंड ये थी लास्ट वीडियो उसकी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फॉर मोर सच कंटेंट। एंड अब मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।